नमस्कार, बीसी न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। जालौन में सनसनीखेज मामला सामने आया है। 1 अप्रैल 2021 को कानपुर में हुई हाईजैक स्कॉर्पियो का 2 महीने तक पीड़ित भटकता रहा। हर चौकी थाने में पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। पीड़ित गुजरात का रहने वाला था, कानपुर में काम की तलाश में आया हुआ था। वही दो बदमाश आकाश राणा व संदीप मौर्य ने उसकी कार हाईजैक कर ली। जब पुलिस ने कोई मदद नहीं की तो पीड़ित ने अपराध नियंत्रण संगठन में 15 जून 2021 को जालौन प्रभारी मनीषा गुरबेल को प्रार्थना पत्र, जिसकी सूचना ऊपर बड़े पदाधिकारियों को देकर प्रभारी मनीषा गुरबेल के नेतृत्व में टीम गठित हुई, जिसमें प्रभारी मनीषा गुरबेल, जिलाध्यक्ष दतिया रहीश यादव व जिला महासचिव दतिया राजा यादव व सदस्य नीलू श्रीवास्तव जालौन मौजूद रहे और मामले को संज्ञान में लेते हुए कानपुर के लिए टीम रवाना हुई और कार्रवाई शुरू कर दी। 15 जून को प्रार्थना पत्र मिला और 16 जून की रात 1 बजे स्कॉर्पियो कार बरामद कर पीड़ित को सुपुर्द कर दी गई। 2 महीने से पड़ा हुआ मामला 8 घंटे के अंदर अपराध नियंत्रण संगठन नई दिल्ली द्वारा मनीष गुरबेल के नेतृत्व में निस्तारण कर दिया गया। हरचंदपुर पंचायत के ग्राम सराय पुख्ता में नवनिर्वाचित प्रधान राजीव आर्य के द्वारा गांव के 45 वर्षीय लोगों को कोरोना 19 का वैक्सीनेशन कार्य कराया गया, जिसमें 1.5 दर्जन से अधिक लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। नवनिर्वाचित प्रधान राजीव आर्य ने कहा कि प्रत्येक गांव के निवासियों का टीकाकरण कराया जाएगा, जिससे कोई ग्रामवासी कोरोना की चपेट में न आ सके। इस मौके प्रधान राजीव आर्य, पंचायत सचिव सुरेश प्रजापति, डॉक्टर मंजुला, आशा बहु मंजू के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरोज कुमारी, अजय कुमार पति, अजय कुमार, उमा शंकर कोरी, तेज सिंह बातम मौजूद रहे। बीसीएन न्यूज के लिए औरैया से राजकिशोर पुरावल की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज।